जबान का जख्म। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है, एक बार एक बादशाह शिकार खेलने गया तो वो अपने साथियों से बिछड़ गया। वो बहुत परेशान हुआ। अचानक जंगल में उसके सामने एक शेर आ गया। इत्तफाक से उसी वक्त एक किसान का भी उधर से गुजर हुआ। इसके एक हाथ में तो आगे से मुड़ी हुई लकड़ी थी और दूसरे में दरांती थी। शेर बादशाह पर हमला करने ही वाला था कि किसान ने फुर्ती से आगे से मुड़ी हुई लकड़ी इसके गले में डालकर दूसरे हाथ में पकड़ी हुई दरांती से इसका पेट चाक कर दिया। शेर मारा गया और बादशाह की जान बच गई। बादशाह ने किसान को इनाम के तौर पर एक गांव की लंबरदारी के साथ बहुत सी जमीनें भी दे दी और कहा कि हर त्योहार के मौका पर हमारे महल में हमारे दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों की खास दावत होती है। तुम अब हमारे खास दोस्तों में शामिल हो गए हो, इसलिए हम तुम्हें हर त्योहार पर महल में आने की दावत देते हैं। कुछ ही वक्त गुजरा था कि एक त्योहार आ गया। बादशाह के महल में दावत हुई जिसमें किसान भी शरीक हुआ। इस बेचारे के कपड़े मामूली थे और इसे बादशाहों की महफिल में उठने बैठने का अदब और सलीका भी न आता था। इस तकरीब में इससे कई गलतियाँ भी हुई। खाने के लिए वो बादशाह के साथ ही बैठ गया। बादशाह इस पर बड़ा नाराज हुआ और इसे कहने लगा, तुम तो गंवार के गंवार ही रहे, छोटे बड़े की तमीज नहीं कर सकते, बेहतर यूं ही है कि इसी वक्त उठ जाओ। किसान शर्मिंदा होकर वहाँ से चला आया और कई साल तक बादशाह के पास न गया। एक दिन बादशाह सैर को निकला। वो एक शानदार गाड़ी में सवार था जिसे घोड़े खींच रहे थे। इसकी गाड़ी एक तंग पुल पर से गुजरने लगी तो अचानक ही एक तरफ से गाड़ी का पहिया निकल गया और अगर उसी वक्त इसे सहारा देकर इसकी ऊंचाई दूसरे पहिए के बराबर ना की जाती तो बादशाह की गाड़ी दरिया में गिर जाती। इत्तफाक ये हुआ कि वो किसान भी इसी वक्त वहाँ से गुजर रहा था। इसने पहिया निकलते ही गाड़ी को अपने बाजू पर संभाल कर गिरने से बचा लिया। इस मर्तबा बादशाह किसान की इस खिदमत से इस कदर खुश हुआ कि इसने किसान को अपने साथ ले जाकर कई रोज अपने यहाँ मेहमान रखा और चलते वक्त बहुत सारा इनाम देकर हमेशा आने की ताकीद की। किसान ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपकी दो बार जान बचाई है, अब हजूर मेरी एक बात मान लें, मेरे सर में शदीद दर्द है, बहुत इलाज कराया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसका आखिरी इलाज ये है कि आप अपनी तलवार से हल्का सा जख्म मेरी पेशानी पर लगा के थोड़ा सा खून निकाल दें। बादशाह पहले तो हरगिज़ ना माना मगर किसान के बेहद इसरार पर इसने अपनी तलवार से किसान की पेशानी पर हल्का सा जख्म लगा दिया। किसान जख्म खाकर अपने घर वापस चला गया। चंद रोज में मामूली इलाज से जख्म भी अच्छा हो गया मगर कुछ दिन बाद बादशाह ने इसे अपने पास बुलाकर हाल पूछा तो किसान ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, मुलाहिजा फरमाइए कि अल्लाह के फजल से तलवार के जख्म का अब निशान तक नहीं रहा मगर पहली दावत में हजूर के बदतमीज गंवार कहने और महफिल में खड़े खड़े निकाल देने का जख्म अब भी मेरे दिल पर बिल्कुल ताज़ा है। ये सुनकर बादशाह ने शर्मिंदगी से अपनी गर्दन झुका ली और कहा, बेशक तुम सच्चे हो, मैं ही गलती से दनाओं के इस कौल को भूल गया था कि तलवार का जख्म भर जाता है मगर जबान का जख्म कभी नहीं भरता। मैं तुम्हें नरमी से भी अदबो अदाब से समझा सकता था मगर गुस्से ने मेरे दिमाग और जबान को खराब कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। तो प्यारे बच्चों, आपको भी किसी के साथ बात करते हुए बदतमीजी नहीं करनी चाहिए और गुस्से में कभी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, हमेशा तमीज से बात करनी चाहिए।